सुजानपुर टिहरा में ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा कौशल विकास पत्ते के अंतर्गत स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को पुलिस प्रभारी सुभाष शास्त्री द्वारा नशे के खिलाफ यातायात के नियमों के विरुद्ध गाड़ी चलाने वालों पर कड़े कार्रवाई पुलिस अमल में ला रही है। ये जानकारी थाना प्रभारी सुजानपुर में बच्चों को दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि नशे से पीड़ित व्यक्ति खुद के लिए घातक नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। सुजानपुर टीरा में ग्लोबल इंस्टीट्यूट के द्वारा कौशल विकास भत्ते के अंतर्गत स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को पुलिस प्रभारी सुभाष शास्त्री द्वारा नशे के खिलाफ यातायात के नियमों के विरुद्ध गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये जानकारी थाना प्रभारी ने सुजानपुर में बच्चों को दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर थाना प्रभारी द्वारा सिखाए गए। उन्होंने बताया कि नशे से पीड़ित व्यक्ति खुद के लिए तो घातक होता है बल्कि समाज के लिए भी वे घातक साबित होते हैं, क्योंकि नशे से पीड़ित व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने से वे परहेज नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आज समाज के लिए नशा सबसे बड़ा खतरा बन गया है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे नशे के कारोबार कर रहे लोगों के बारे में पुलिस को सूचना दें और समाज को नशा मुक्त करने में अपना सहयोग दें। वहीं पुलिस द्वारा समय समय पर नशे के जानकारी लोगों तक मुहैया करवाई जाती है और लोग नशे की लत से छुटकारा प्राप्त करें इसके लिए उन्हें जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों के विरुद्ध वाहन ना चलाएं जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं और गाड़ी चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वक्त चले छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।